live your life fully. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थोड़ा सा जल्दी में हैं तो नमाज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं, ईद की नमाज़ के लिए हम यहाँ आए हैं और हम अभी नमाज़ परफॉर्म करने के लिए लेडीज़ के साइड, लेडीज़ के पोर्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को जो है ये इवेंट में आप लोगों को देख लीजिए। الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيداً عند المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون. भाई नमाज हो गई है मस्जिद में और अभी हम फ्री हो गए, बस ये दुआ पढ़ रहा है तो अभी फिनिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम में नमाज पढ़ी है। ओके وهي أرى من بالمال رسل ورحمة مبادية سرد وجهك لك لك جهدنا ونظهر مدنة سبحانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مليح جب المهان بل الله سبحانه وتعالى وقع الله مريضا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد رضي الله عنه dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha ये जो साइड है इस तरफ जो है जेंट्स का सेक्शन है और ये लेडीज़ का पोर्शन है, ये पार्टीशनिंग की गई है यहाँ पे। काफी सारी थी पर हुई जगह वो मिली देर नहीं यहाँ पे। थैंक यू, आई ऑलरेडी रिसीव्ड। Come on, let's go.
फर्स्ट टाइम जो है नमाज पढ़ी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। अभी चल रहे हैं, धूप हो रही है, बहुत अच्छा लगा। ईद की नमाज फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ पढ़ती हैं नमाज और फैमिलीज़ के साथ होते हैं सारे। नमाज के बाद अभी लंच का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, धूप निकली हुई है, तो अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद शाम को जो है थोड़ा सा, जैसे ही माहौल थोड़ा सेट होता है, यानी कि मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, तो फिर इंशाल्लाह बाहर जाएंगे किसी जगह पे और आप लोगों को भी विज़िट करवाएंगे। तो मैं आप लोगों को आज पूरा होल डे जो मेरा ईद का गुज़रा है वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। के तकरीबन यहाँ पे 5 बज गए हैं, तो अब हम निकले हैं। धूप वही की वही है और थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं। ये देखें हल्की सी बारिश, शीशे पे जो है इनकी बूंद आपको नज़र आएगी। भाई ईद के लिए बच्चे भी जो है एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, हालत देखो क्यूट लग रही है। ये सारी चीज़ें देखें, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। जब हम भी होते थे बच्चे तब भी हमने नहीं छोड़ी ये चीज़ें फिर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें पैसिफिक बाउल्स की साइड जहाँ पे गेमिंग होती है, तो चले आप लोगों को भी दिखा देते हैं यहाँ का, कि हमने किस तरह से ईद स्पेंड की है। ठीक है, ये पहले से ही खेल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं ऐसे शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ड्रेसिंग देखी यहाँ के लोगों की, के ईद पे क्या चीज़ पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी प्रॉपर में थोड़ी सी क्लिपिंग की जाए। तो ये मैंने स्पेशली इनकी थोड़ी सी क्लिप्स निकाली हुई हैं कि ये ईद पे क्या पहनते हैं। आप लोग नोट करें खुद ही, ये चीज़ देखें। और यहाँ पे मैंने एक दो गर्ल्स देखी थी जो कि मुझसे मिस हो गई, बहुत प्यारी बहुत क्यूट लग रही थी। सेम ड्रेसिंग थी और सेम वाइट कलर में ड्रेसिंग थी, उसके अलावा ज्वेलरीज, शूज़, स्कार्फ, एवरीथिंग मीन्स के सेम पहनी हुई थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं निकाली। तो मैंने सोचा कि अब जो है बाद में मुझे ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया आया, इस वजह से जो है एक्चुअली ईद का जो है आज दिन है और हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा विज़िट करने के लिए आए हैं, आउटिंग करने के लिए। और ये जो मैं
प्रीवियस में कुछ खास स्पेशल फैमिलीज की वीडियोस दिखा रही थी, उसमें ये चीज़ थी कि ये यहाँ पे ईद की ड्रेस जो है वो स्पेशली ये पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस। और जो इनके हस्बैंड होते हैं या इनके जो मींस के बच्चे होते हैं, मींस के सेम पहनते हैं। ठीक है, चले मैं आप लोगों को ये दोबारा दिखा देती हूँ। सामने देखें आप, ये दो फैमिलीज की गर्ल्स हैं जिन्होंने सेम ड्रेसिंग की हुई है। और ये देखें, और सामने ये देखें, ये लो ड्रेसिंग में सारी फैमिली है, इनके बच्चे, हस्बैंड, वाइफ या मदर्स वगैरह जो भी हैं, तो सेम ड्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है विज़िट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया था, बस क्लिपिंग तो मैंने थोड़ी सी की थी, अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बरसात की वजह से मेरा पाँव फिसल गया था इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, हालांकि मैं यही चाहती हूँ कि जो सडनली सीन होते हैं वो मेरे रिकॉर्ड हो जाएं, वो भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। और नीचे पार्किंग नहीं थी, रश थी बहुत ईद की वजह से, तो हमने पार्किंग जो है यहाँ पे टॉप फ्लोर पे की आई। तो यहाँ पे मौसम देखें बहुत अच्छी हो रही है, बरसात भी हुई है, तो चलते हैं। चले, हमारा ईद का सारा दिन गुज़र गया खैर खैरियत से, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे मगरिब हो गई है, आप लोग देख रहे हैं। और उसके अलावा जो है मेरा ईद का दिन आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ रहकर, यानी वीडियो में आप लोगों ने देखा बताइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से दोबारा से। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।